हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले रायन मूवी के 17 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और हमें कहा दम था मूवी के 10 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कल की मूवी के 46 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी ने ज्यादा कमाई कर ली है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं और हमें कहा दम था मूवी के बारे में। तो इस मूवी को आज रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो इस मूवी ने कुछ खास कलेक्शन करके नहीं दिखाया और इस मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में भी कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई थी और ये मूवी फर्स्ट वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है, और ये मूवी पब्लिक को भी ज्यादा पसंद नहीं आई और इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आज के दिन पर किस तरीके से निकल के आती है, और आज आ चुके हैं संडे, और संडे के दिन पर देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन कितनी बड़ी जंप लेती है कलेक्शन के मामले में, और इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले अजय देवगन और टप्पू देखने को मिलने वाली, और इस मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है, और इस मूवी को लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था सिनेमाघर में वर्ल्ड वाइड। आज इस मूवी को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो चुकी है, और इस मूवी की 8 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन भी निकल कर आ चुकी है। तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की 8 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में, और इस मूवी ने 8 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 10 करोड़ 45 लाख, और इस मूवी ने 8 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 12 करोड़ 25 लाख, और इस मूवी ने 8 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया है 2 करोड़, और इस मूवी ने 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है 14 करोड़ 25 लाख, और इस मूवी ने 9वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 50 लाख, और इस मूवी ने 9 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 10 करोड़ 95 लाख। और इस मूवी की 10वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 1 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रायन मूवी के 17 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस मूवी को आज रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर चुकी है अपने बजट के हिसाब से, और इस मूवी ने सभी मूवी को पछाड़ दिया। अब देखने वाली बात होगी इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है, और आज आ चुके संडे और आज के दिन पर इस मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आज के दिन पर कितने करोड़ की निकल के आती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है, और आप लोगों ने रायन मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखा जाए तो पब्लिक की तरफ से भी इस मूवी को अच्छी खासी रिस्पांस देखने को मिली और इसी वजह से इस मूवी की कलेक्शन भी अच्छी निकल के आई है, और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले धनुष के साथ संदीप किशन देखने को मिलने वाले हैं, और इस मूवी को तेलुगु और तमिल के अलावा हिंदी में भी रिलीज किया गया था, लेकिन इस मूवी ने तीन ही लैंग्वेज में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन कर चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट भी हो चुकी है। चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की 15 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी ने 15 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 85 करोड़ 35 लाख, और इस मूवी ने 15 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 98 करोड़ 50 लाख, और इस मूवी ने 15 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 39 करोड़, और इस मूवी ने 15 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है 137 करोड़ 50 लाख, और इस मूवी ने 16वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 2 करोड़ 35 लाख, और इस मूवी ने 16 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 87 करोड़ 70 लाख। इस मूवी के 17वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां कल की मूवी को रिलीज हुए आज 46 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आज आ चुके हैं संडे और संडे के दिन पर इस मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिलती है, और आज के दिन पर इस मूवी के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है। जहाँ देखा जाए तो जितनी भी मूवी आती है 2 वीक के बाद बाहर हो जाती है सिनेमाघरों से, लेकिन कल की मूवी को रिलीज हुआ 6 वीक हो चुकी है, लेकिन 6 वीक होने के बाद भी इस मूवी की कलेक्शन अच्छी खासी निकल के आ रही है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है और ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी को आज रिलीज हुए 46 दिन हो चुके हैं और इस मूवी के 44 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन निकल कर आ चुके हैं, और इस मूवी ने 44 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 642 करोड़ 21 लाख, और इस मूवी ने 44 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया 762 करोड़ 45 लाख, और इस मूवी ने
44 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया है 274 करोड़ 50 लाख, और इस मूवी ने 44 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 1036 करोड़ 95 लाख, और इस मूवी ने 45वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 1 करोड़ 15 लाख, और इस मूवी ने 45 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 643 करोड़ 36 लाख, और इस मूवी की 46वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 2 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है, आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।